तो देखो हम यहाँ पर लॉजिक एनालाइजर की बात कर रहे हैं, 24 मेगा 8 पूरे यहाँ पे पास आ जाओ। देखो इसकी मैंने पूरी डिटेलिंग डाल दी है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। ये चैनल 1 चैनल 2 इस तरह से है, बट एक्चुअली जो चैनल 1 है वो चैनल 0 है। और यहाँ पे हमने देखो तो अभी 3 वायर लगा के रखे हैं, तो हमने चैनल 0 और चैनल 1 पे है, और ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे हमने ये वायर लगा के रखे हैं। ये दिखा दो, तो मैं इसकी टेस्टिंग थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि क्या इस पर I2C प्रोटोकॉल दिखता है, समझ में आता है इस तरह से सारी चीज़ें। मैंने देखो एक आर्डिनो लगाया है, सेटअप किया हुआ है, और उसके साथ डिस्प्ले लिया है। तो मैंने कुछ प्रोग्रामिंग करके इसमें डिस्प्ले में मैं जो प्रोजेक्ट कराऊंगा वो I2C के कमांड से इसको जाना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर दिखाओ, ये देखो हमने इनके बीच में वायरों को इस तरह से काट के यहाँ क्या लगा दिया है, लॉजिक एनालाइजर। अगर मैं DSO की बात करूंगा तो ये मैं DSO से भी निकाल सकता हूँ, बट मैं यही देखना चाहता हूँ क्या ये लॉजिक एनालाइजर फिर I2C को डिटेक्ट कर सकता है। तो हम इसको चेक करेंगे सेकेंड वाइज कि 2 सेकेंड में कितना, 3 सेकेंड के बाद, ये बाकी में 1 सेकेंड चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, मैं अपना लॉजिक एनालाइजर खोलना चाहता हूँ, नोटिस करो, ठीक है। तो ये लॉजिक एनालाइजर है और इसको मैं प्लग कर देता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने प्लग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरा डिस्प्ले चल गया है, तो मैं एक प्रोग्रामर यूज़ करूँगा, उस प्रोग्रामर के यहाँ पर, यहाँ साइड से आ जाओ, ये मेरा डिस्प्ले है। अब इसमें मैं प्रोग्रामर यूज़ करूँगा और लॉजिक एनालाइजर को भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो लॉजिक एनालाइजर भी मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे लॉजिक एनालाइजर कनेक्ट करने के टाइम पे आप देख सकते हैं ये चालू हो गया है, यहाँ पर स्टार्ट का बटन आएगा। अगर आप ये नहीं करते तो दिखाओ, ये देखो डिसकनेक्ट कर दूँ तो जैसे आप ये समझेंगे, तो देखो स्टार्ट का बटन चला गया, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि हमारा पोर्ट वोर्ट बन रहा है, सारी चीज़ ओके है। और कैसे क्या पोर्ट बनाना है मैंने सारा कोर्स में डाला है, सबसे पहले कैसे इसको पोर्ट बनाए, ठीक है, इसको कैसे कनेक्ट करना है, सब कुछ डाला है कोर्स में, लॉजिक एनालाइजर के फोल्डर में जाके देखें। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, आर्डिनो यूज़ करता हूँ, तो मैं ये सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग, पहले एक छोटा सा प्रोग्राम डालता हूँ। तो ये आर्डिनो का सेटअप है कुछ इस तरह का, ये देखो, ठीक है। ये ऑन होने के बाद में हम क्या करते हैं, एक कोडिंग यहाँ पर लेते हैं। तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट हो गया, ठीक है। आर्डिनो यहाँ पे जो ये डिटेक्ट हो गया हमारा, अभी कैसा है, अब यहाँ पे कोडिंग में लूँगा, छोटी सी कोडिंग में लूँगा यहाँ पर, और ये कोडिंग को यहाँ पर डाल दूँगा। अब इसको यहाँ पर रन करूँगा, ये देखो कंपाइल स्केच, तो देखो रन हो गई है, यहाँ पे दिखाओ, ये देखो ये डिस्प्ले देखो अब बंद होगा और यहाँ पर हेलो आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हेलो एशिया टेलीकॉम, ठीक है, देवधन अग्रवाल, 3 चीज़ें आ रही हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सारी चीज़ हटा देता हूँ और अब यहाँ पे मैं खाली लिख देता हूँ एशिया टेलीकॉम, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप यहाँ दिखाइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब एशिया टेलीकॉम प्रोजेक्ट होगा, ये देखो एशिया टेलीकॉम प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हर 2 सेकेंड मिनट में आपको एशिया टेलीकॉम दिखाएगा। अब हम यही चीज़ को लॉजिक एनालाइजर से देखते हैं कि क्या मेरा I2C काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले जो बेसिक सेटिंग है, मैंने यहाँ पर क्लिक करके I2C को लिया है। अब चैनल 1 पे, चैनल 0 पर मैंने SCL डाला है, तो यहाँ पे दिखाइए, ये मेरा जो ब्लू कलर का वायर है वो SCL का है, उसके बगल में जो मेरा वायर है वो SDA का है, ठीक है, ये SCL है, ये SDA है। तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है, मैंने इसको यहाँ पे सेव किया हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करके हम टाइमर डालेंगे कि हमें कितना टाइमर है, तो 5 सेकेंड हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इस तरह से, रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग आफ्टर 5 सेकेंड के बाद, यहाँ से हम ट्रिगर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको समझना है इसमें जरूरी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एनालाइजर में टिक किया और I2C में टिक करेंगे इस तरीके से, यहाँ से। तो हम
यहाँ पे प्लस करते हैं और I2C में टिक किया, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखो, अब ये जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगी, तो ये हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हमारा I2C रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, ये आपके क्लॉक के पल्स है, ये आपके डाटा के पल्स है, तो जो आपको यहाँ पर देखने को मिला है। पर हम इसको सेकेंड वाइज समझेंगे कि बेसिकली हमें सेकेंड वाइज मिला है कि नहीं मिला है, तो सेकेंड वाइज के हिसाब से ही हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए, फिलहाल हम इसको एक सेकेंड कर देते हैं और रन कर देते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट एक सेकेंड में हमें दिखाना चाहिए डाटा, तो यहाँ पर हमारा ईसा टेलीकॉम एक सेकेंड में आ गया। अब हम वापस यहाँ पर करेंगे I2C और यहाँ से हम बनाएंगे अपना, ये देखिए हर एक, और ये जो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पर, हर एक सेकेंड में देखिए डाटा आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए ये देखिए एक सेकेंड, फिर यहाँ पर अगला देखो, पहला हमें एक सेकेंड पे डाटा आया, फिर हमें अगले सेकेंड पे डाटा आया, फिर हमें तीन सेकेंड में, फिर हमें चार। सो इसका मतलब ये है, फिलहाल डाटा भी दिखा देता हूँ, हम यहाँ से इसको डीकोड भी कर सकते हैं। डीकोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें राइट क्लिक करके यहाँ पर देखो अलग अलग फॉर्मेट है, डेसिमल, हेक्सा या SCII, तो यहाँ पर हम डीकोड कर सकते हैं। तो डीकोड बेसिकली अगर आपके पास में इसका डाटा सीट है तो आप इसकी डीकोडिंग भी देख सकते हैं, पर मैं चेंज करूँगा। अब यहाँ पे लिखूँगा तीन सेकेंड, अब मेरी कोडिंग थोड़ी ठीक हुई है, वो थोड़ा सा कोडिंग में मिस्टेक था, अब वापस करूँगा, अब फिर से I2C पे टिक करूँगा इस तरीके से, डन। अब फिर से इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब मेरा जो डाटा है वो बिल्कुल सही आएगा, नोटिस करो, ये देखो अब जो डाटा हमें बनेगा वो तीन तीन सेकेंड के हिसाब से बनेगा, और ये 15 सेकेंड का हम टोटल डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, बराबर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल तीन तीन सेकेंड का हमारा डाटा बना हुआ है, ये देखो, ये 2 सेकेंड के बाद 5, 5 के बाद 8, इस तरह से फिर 10, और फिर अलग अलग हमें तीन तीन सेकेंड में यहाँ पे डाटा मिला हुआ है, ये देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देना, ये 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, ये देखो तीन तीन सेकेंड का डाटा मिला है, और डाटा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका मतलब ये है कि हमारा लॉजिक एनालाइजर सिग्नल को दिखाता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हाई हुआ, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ तो ये ग्रीन है, यहाँ से स्टार्ट होता है, रेड है यहाँ पर ये डाटा ख़त्म करता है, ग्रीन से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म करता है, इसके बीच में स्लेप सेंड करता है, तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं तो आपको समझनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्लॉक की लाइन है, ये हमारा डाटा की लाइन है इस तरीके से। तो लॉजिक एनालाइजर ठीक वैसे ही जैसा यहाँ पर काम किया, आपको मोबाइल में भी काम करना है, जहाँ भी I2C हो, जैसे डिस्प्ले में है I2C, या आपके I2C जो आपके डिस्प्ले के लाइट में जाती है ना, आप उसके साथ लेके ब्राइटनेस को अप डाउन करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे ही ब्राइटनेस को अप डाउन करेंगे आपको वहाँ पर सप्लाइयाँ दिखेंगी, मतलब ये डाटा दिखेगा, तो आप समझ जाना कि आपका I2C काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चार्जिंग का डाटा, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं I2C, मतलब लॉजिक एनालाइजर से, तो ये है, तो लॉजिक एनालाइजर काम करता है। यह कोर्स 2 साल के वैलिड होगा। इस कोर्स में आपको बेसिक से पावर और CPU IC तक बताया गया है। इस कोर्स में आपको मिलेगा नॉनस्टॉप अपडेट। हम हर हफ्ते कोर्स में बहुत कुछ नया अपडेट करते रहते हैं। अगर आप IC पर काम कर रहे हैं और एंड्रॉइड पर काम कर लेते हैं, आईफोन पर काम करके अच्छे पैसे कमा लेंगे। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20 से 80 हज़ार तक होती है। अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से।